अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी टमाटे की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है और इस भिंडी में जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ चार ही मसाले डालेंगे, तब भी जो है ना बहुत ही मज़े की बनी ये रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इस रेसिपी को। 250 ग्राम भिंडी है, 3 मीडियम साइज के टमाटर है, 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई गर्म कर लेंगे। तो गर्म होने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे भिंडी जो मैं इस शेप में काटी हूँ। इस तरीके से आप कौन सी भी शेप में कैसे भी काट सकते हैं। अच्छा, भिंडी फ्राई करने का मकसद यही है कि भिंडी जो है ना ज़रा चिपचिपी होती है, तो इसीलिए हम इसे फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से फ्राई हो चुकी है भिंडी। अब हम इस भिंडी को जो है ना, इस भिंडी को हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। तो ये देखिए, हमने एक बर्तन में निकाल लिया भिंडी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच। तो इसमें डाल देंगे ज़ीरा, तेल गर्म होते ही ज़ीरा फ्राई होते ही हम डाल देंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको हमने चॉप कर लिया इस तरीके से। तो अब प्याज को भी जो है ना हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा सा पिंक कलर आने तक। ये देखिए, बस इतना ही हमें फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 1 चम्मच। अदरक लहसुन डालने के बाद फिर से हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे ताकि कच्चापन जो है अदरक लहसुन का वो चला जाए। अभी इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। इस तरीके से फ्राई करेंगे ना हरी मिर्च, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है भिंडी में। अच्छे से हम कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक, हल्दी 1/2 चम्मच, आप अपने हिसाब से मसाले ले सकते हैं। सिर्फ इसी 4 मसालों से हम बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनाएंगे। इस भिंडी की रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, 3 टमाटर है, इस तरीके से चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसकी प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं ग्राइंडर जार में पीस के। तो अब हम क्या करेंगे, मिला लेंगे इन सबको अच्छे से। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, मिक्स करने के बाद फिर हम इसे ढक के क्या करेंगे, रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। आप देखते रहें बीच बीच में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट बाद टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से। हम फिर से टमाटरों को ना अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से टमाटर भून लेने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। तो एक हाथ में मेरे मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी, इसीलिए फिर मैं डालने के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो भिंडी को हम अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे, फिर से हम ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे एकदम से, ताकि भिंडी में जो है ना मसाले जो भी है मिल जाए। तो ये देखिए, 5 से 6 मिनट बाद भिंडी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, पक चुकी है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, ज्वार की रोटी के साथ, किसके भी साथ जो है ना आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।